नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवेश बारस्कर, ग्राम खेरवाड़ा, तहसील मोखेड़, जिला छिंदवाड़े का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ ग्राम खेरवाड़ा में 10 एकड़ में खेती करता हूँ और मैं इस 10 एकड़ में फसलें आलू, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, हरा धनिया और डंगरे और तरबूज की खेती करता हूँ। मैं अपने खेतों में आलू की फसल और लहसुन की फसल सबसे ज़्यादा लगाता हूँ और इसमें अच्छे खादों का उपयोग करता हूँ। मैं 2014 से खेती करते आ रहा हूँ और जब से मैंने खेती करना चालू किया हूँ, मैं मोजेक की खाद का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मोजेक DAP हो गया, मोजेक पोटास हो गया, और इसको मैंने अपनी फसलों में डालता हूँ जिससे मुझे अच्छा उत्पादन मिलता है। मैंने किताबों में पढ़ा था पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये डालने से फसलों में अच्छा उत्पादन, अच्छी शाइनिंग, अच्छा सब कुछ मिलता है। फिर मैं अपने नज़दीक के दुकानदार के पास गया, उससे पूछा पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर इस टाइप का कोई खाद आता है क्या। उन्होंने फिर मुझे मोजेक के केमिक के बारे में बताया और मैंने इसे अपने खेतों में यूज़ किया। जब मैंने केमिक का अपनी आलू फसल में पहली बार उसका उपयोग किया तो मैंने देखा इसमें इसका तना मजबूत और इसका अच्छा गहरा रंग हरा और इसका फैलाव बहुत अच्छा था। इस वर्ष मैंने अपनी फसल आलू में 1 एकड़ में केमिक का उपयोग किया। मोजेक का केमिक इस्तेमाल करने से मुझे मेरे खेत में पहले प्रति एकड़ 250 कट्टा आलू निकलता था, अब केमिक इस्तेमाल करने से मेरे खेत में 25% अधिक वृद्धि हुई और 300 कट्टे प्रति एकड़ प्राप्त हुए। मैंने अपने खेत में मोजेक का केमिक इस्तेमाल किया तो उससे मुझे आलू में अच्छी क्वालिटी प्राप्त हुई, जिससे मेरा आलू मार्केट में सर्वाधिक मूल्य में बिका। मैं सभी किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि मैंने केमिक मोजेक के केमिक का इस्तेमाल अपने खेतों में किया और अधिक लाभ प्राप्त किया, तो आप भी मोजेक का केमिक इस्तेमाल करें और अधिक लाभ कमाएं और रहे जमाने से आगे।